हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा एक न्यूज अपडेट जो प्रवासी मजदूरों के लिए है। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारम्भ किया। 50,000 करोड़ की यह रोजगार गारंटी योजना कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में शहर से अपने गांव लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए है। लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूर लोगों का रोजगार छिन गया था, वे अपने घर लौट गए थे। यह योजना मुख्य रूप से उन 6 राज्यों पर केंद्रित है जहाँ सबसे अधिक प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे हैं। तो आइए जानते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में कि कैसे गांव पहुंचे मजदूरों के लिए लाभ पहुंचेगा इस योजना के अंतर्गत। तो जानते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो पहला है ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और घर लौटे मजदूरों को सशक्त किया जा सकेगा। दूसरा है, इस अभियान के लिए कुछ राज्यों के श्रमिकों को शामिल किया जाएगा, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में प्रत्येक से 25,000 श्रमिकों को इस अभियान के लिए चुना गया है। तीसरा है, इसमें 27 पिछड़े जिले भी शामिल हैं। इन जिलों के तहत करीब 66% प्रवासी श्रमिक इसमें शामिल होंगे। अगला है, इस अभियान के तहत 6 राज्यों में 50,000 करोड़ का काम किया जाएगा। 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव इस कार्यक्रम में साझा सेवा केंद्रों यानी CSC और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए जुड़ेंगे। यह अभियान 125 दिन का है। इसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 25 अलग तरह के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार की 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा और यह सर्वे ग्राम पंचायत भवन और आंगनवाड़ी केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और संरक्षण परियोजनाओं में काम करेंगे। इस अभियान के तहत मजदूरों को उनकी स्किल और अनुभव के आधार पर अलग अलग काम करवाए जाएंगे। इस अभियान के तहत मजदूरों से वो काम कराया जाएगा जिसमें उनका परफेक्शन है, जैसे ऑप्टिक फाइबर का बिछाना, राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम कराना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम कराना इत्यादि। इसके जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा। सरकार सभी जिलों में घर लौटे श्रमिकों से सीधे संपर्क कर रही है। अपने जिलों में पहुंचे सभी प्रवासी श्रमिक संपत्ति सृजन का हिस्सा होंगे। 6 राज्यों के 116 जिलों में सुनिश्चित किया जाएगा कि इन जिलों के सभी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल सके। आंकड़े मिलने पर अन्य जिलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बाद में बिहार के 32 और उत्तर प्रदेश के 31 जिले इस अभियान का हिस्सा हैं। इस अभियान में पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस राज्य ने समय पर अपने घर लौटने वाले श्रमिकों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था। कोविड महामारी के मद्देनजर सामाजिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना का कोऑर्डिनेशन 12 अलग अलग मंत्रालय जिनमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय और कृषि मंत्रालय शामिल है। तो व्यूअर्स, सभी से निवेदन है कि जो भी इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं वे सभी प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ जरूर लें। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ मुख्य बिंदु गरीब कल्याण रोजगार अभियान के। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।